नए साल की धूम शुरू हो चुकी है। नैनीताल से लेकर पहाड़ों की सुदूर वादियां पर्यटकों से गुलजार नजर आ रही हैं। नैनीताल और मुक्तेश्वर पूरी तरह पर्यटकों से लैस हो चुके हैं। उधर हमने कुछ लोगों से बातचीत की, जिनसे ये जानने का प्रयास किया कि पुराने साल से उन्होंने क्या सीखा और नए साल से उन्हें क्या उम्मीद है, वहीं वो खुद में क्या सुधार करना चाहते हैं, तो इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हुमा सैयद फ्रॉम उत्तराखंड। जैसे कि आप सभी को पता है, 2021 में काफ़ी मेमोरीज रही हैं आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं हमारी ज़िंदगी में, और अपने बहुत खोए हैं लाइफ। हमने तो बहुत कुछ सीखने को मिला है लाइफ में। 2022 भगवान करे कि आप सभी की ज़िंदगी में खुशियों के साथ आएँ। ऊपर वाले से दुआ है, आप सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करिए, दूरी बनाइए, दिल की दूरी मत बनाइए, जितना हो सके रूल्स फॉलो करिए, जैसे कि मास्क यूज़ करिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए। 2022 की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपकी ज़िंदगी को भर दें और जितने दुख हम लोगों ने देखे हैं उसको दूर हो जाएं। तो बहुत अच्छे पल भी रहे हैं, बहुत बुरे पल भी रहे हैं 2021 में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं 2022 में। उम्मीद करती हूँ ऐसी कोई गलती ना करें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल 2022 एंड सेफ योर लाइफ। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम मोहित सिंह कायरा है, मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। एंड मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा, 2021 आप सभी को पता है कितना दुख दर्द रहा है हम सभी के लिए। कितने लोगों की मौतें हुई है, कितने लोग अपने फैमिली को छोड़ के गए हैं कोरोना के कारण। एंड मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2022 काफ़ी अच्छा रहे हम सभी के लिए। और यार, आप यंग जनरेशन से यही कहना चाहूँगा, अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो यार। अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय, अपने फ़ोन में बिजी रहने के बजाय, अपने फैमिली का ध्यान रखो यार, मम्मी पापा का, भाई बहनों का, क्योंकि वो है आपके साथ, तो सभी है यार। और उनका ध्यान रखो, उनसे प्यार करो यार। बाहर ये सब जाना वाना बंद करो यार, अपने घर में रहो, सेफ रहो। सेफ रहोगे तो तभी तो आगे कुछ प्लान कर पाओगे कि हाँ यार, हमें ये अचीव करना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है। तो यार प्लीज़ टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, मेरा नाम हिमानी है, मैं उत्तराखंड से हूँ। और जैसे कि सब जानते हैं कि अभी नया साल आने वाला है, लेकिन जो पिछले साल में हम सब ने फेस किया है, लेजेंड एक्टर्स को हमने खोया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं, और आई विश कि ऐसा आने वाले साल में ना हो। तो मैं यही दुआ करूँगी कि आने वाले साल में हम अच्छे से रहें, दिल से ना सही लेकिन हम बोली से दुनिया बना के रखें। तो ऐसी बहुत सारी हमें प्रिकॉशंस हैं, सेफ्टीज हैं जो हमें रखनी होगी, जैसे कि हैंड सैनिटाइज़र का हमें यूज़ करना होगा, मास्क का, और अभी न्यू वायरस आया है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी होगी। सो मैं यही विश करूँगी कि सब हेल्दी रहे, सेफ रहें, और हैप्पी न्यू ईयर टू। 2021 स्टार्टिंग से ही हार्ड रहा, लॉकडाउन कोविड और इन सब की वजह से। स्टिल इसने बहुत कुछ सिखाया, इसने सिखाया कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को कैसे ओवरकम कर सकते हो, चाहे वो आपकी खुशी हो, गम हो, फेलियर हो या सक्सेस हो। और दूसरा, इसने मुझे मूव ऑन करना सिखाया चीज़ों से। इसने बताया कि आप चीज़ों को देख करके रुक नहीं सकते हो। द शो मस्ट गो ऑन, व्हाट 2021 टॉट मी। एंड 2022 से एक्सपेक्टेशंस तो अनएक्सपेक्टेड है, कुछ पता नहीं क्या होगा। स्टिल मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दूँ, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ ऑल्सो। और कोविड का थोड़ा सा असर कम रहे, वर्ल्ड पीस और हैप्पीनेस, दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम 2022। हमने बहुत कठिनाइयों का सामना करा, हमने कोरोना जैसे महामारी भी फैली देश में, इसके चलते हमने अपने कई भाई बहनों को, रिश्तेदारों को खोया। और क्या कहते हैं, जिस तरह से हमने 2022 से ये उम्मीद है कि जिस तरह से हमने 2021 में कोरोना से हमने मिलकर एकजुट होकर एकता के साथ उसका संघर्ष करा, वैसे ही हम आगे भी करें और बड़ी से बड़ी बीमारियों से, हालातों से सामना करना चाहिए। और 2022 में मैं टीम लीडर की तरह दूसरों की सेवा करना चाहूंगी, उनके हेल्प करना चाहूंगी, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना उनके लिए करना चाहूंगी। और मैं चाहती हूं कि जिस तरह से हमने 2021 में कानून का पालन करा है, वैसे ही आगे भी हम पालन करते रहें।